और कुछ इस तरह से बैकग्राउंड का जो व्यू है आज दिख रहा है। आसमान में बहुत हल्के फुल्के बादल हैं। बनाएंगे ये जो कद्दू की बेल है कि ऊपर के जो बेल का जो होता है उसको इस तरह से तोड़ के और इसकी सब्जी बनती है हमारे यहाँ। और आखिरकार ढूंढते ढूंढते मुझे एक कद्दू मिल ही गया है, ये गोल साफ देखिए। तो दोस्तों अभी मैं ये सारा निकाल के ले आया हूँ घर। ये आप देखिए कुछ फूल हैं, कुछ ये छोटे छोटे नन्हे से कद्दू हैं। इस तरह से ये निकालने होते हैं ताकि ये खाने खाते वक्त जो है दांतों पे या मुंह पे ना लगे। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका रुद्राक्ष ब्लॉग में। मेरा नाम जितेंद्र, गांव का नाम ढापसौर, जिला टिहरी गढ़वाल से। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और नाश्ता हो चुका है। आज कई दिनों के बाद बहुत अच्छी तरह से धूप खिली हुई है। बहुत दिनों तक मौसम एकदम बारिश का मौसम था, कोहरा लगा हुआ था, लेकिन आज आसमान बिल्कुल साफ है, बहुत हल्के फुल्के बादल हैं। मैं आपको अभी रियर कैमरे से बैकग्राउंड का व्यू दिखा देता हूं एक बार। और कुछ इस तरह से बैकग्राउंड का जो व्यू है आज दिख रहा है। आसमान में बहुत हल्के फुल्के बादल हैं, चारों तरफ हरियाली है, बहुत अच्छी तरह से धूप खिली हुई है। और जब कई दिनों बाद धूप आती है, यानी कि जब बरसात का मौसम होता है और उसके बाद जब अच्छी तरह से धूप खिलती है तो कुछ नज़ारा ही अलग होता है। आप देखिए हरे भरे घास पे जैसे जो है सोने की परत चढ़ा दी गई हो, गोल्ड कोटिंग कर रखी हो, इस तरह से व्यू दिखता है। एकदम साफ, जो धूल डाल जो भी होती है वो सब छंट जाती है, एकदम नीट एंड क्लीन पर्यावरण हो जाता है चारों तरफ का। ये आप देखिए नज़ारा। और आजकल पहाड़ों में कई प्रकार की फसलों का सीजन है। गांव की सारियों में आपको विभिन्न प्रकार की फसलें लहलाती हुई दिखेंगी। ये जो समय है पहाड़ों में जो है कई प्रकार की फसलों का होता है, जैसे कि मुंगरी यानी कि मक्का, झंगोरा, कई प्रकार की दालें जैसे लोबिया हो गया। पहाड़ों में सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, कई प्रकार की आपको फसलें इस समय दिखेंगी। जैसे कि यहाँ पर जो है ये खेत जो है तिल, तिल की फसल से लहरा रहा है। कई तरह की मौसमी सब्जियाँ, फल, जो सीजनेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती हैं आजकल आपको पहाड़ों में प्रचुर मात्रा में दिखाई देंगी। तो आज हम बनाएंगे ये जो कद्दू की बेल है कि ऊपर के जो बेल का जो होता है उसको इस तरह से तोड़ के और इसकी सब्जी बनती है हमारे यहाँ। इसको करखला बोलते हैं, कई जगह इसको टुकलू बोला जाता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी होती है। इसके साथ आप जो हैं कुछ और पत्ते भी मिला सकते हैं, जैसे अरबी के पत्ते आदि भी मिला सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ इसकी ही सब्जी आज बनाएंगे। और इसके साथ हम जो हैं छोटे छोटे जो कद्दू होते हैं, जैसे ये एक है, इसको भी इसमें काट के हम सब्जी इसकी बनाएंगे।
कद्दू के कुछ फूल भी हम निकालेंगे के साथ साथ। इसके साथ जो है फूलों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है और बहुत ही स्वादिष्ट ये सब्जी बनती है। वैसे इसको कापला भी बोला जाता है पहाड़ी में, करकला का कापला हमारे यहाँ यही बोलते हैं। बाकी आपके यहाँ जो बोलते हैं आप कमेंट कीजिए कि आपके यहाँ सब्जी को क्या कहते हैं। अभी मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ खेतों में आप देखिए कितनी झाड़ियाँ यहाँ पे हो रखी हैं। कद्दू की ये बेल बहुत दूर दूर तक फैली हुई है और ये दाल के खेत हैं। और अभी दोपहर का समय है, धूप भी बहुत तेज है, पसीना पसीना सारे हो गया है शरीर में। लेकिन मुझे कद्दू की जो है छोटा सा कोई कद्दू नहीं मिल रहा है, क्योंकि इन फूलों और पत्तियों के साथ अगर छोटा कद्दू को काट दिया जाए तो उसका बहुत ही सुंदर फ्लेवर और बहुत सुंदर टेस्ट आता है। और आखिरकार ढूंढते ढूंढते मुझे एक कद्दू मिल ही गया है। ये गोल सा आप देखिए, आप देखिए बहुत कोमल और नया कद्दू है। अभी जो है ये सब्जी जो है पूरी हो गई है आज। तो दोस्तों अभी मैं ये सारा निकाल के ले आया हूँ घर। ये आप देखिए कुछ फूल हैं, कुछ ये छोटे छोटे नन्हे से कद्दू हैं, और एक थोड़ा मीडियम साइज़ का कद्दू है यंग, और कुछ ये इसके कद्दू के जो बेल के सिरे हैं। तो इसको सबसे पहले हम कुछ इस पे कुछ रेसे होते हैं इस तरह से ये निकालने होते हैं ताकि ये खाते वक्त जो है दांतों पे या मुंह पे ना लगे। इस तरह से इसके सारे ये बाहर के रेसे निकालने होते हैं एक एक करके, जिस तरह से मैं ये निकाल रहा हूँ। इस तरह से ये सारे डंठल मैंने साफ कर लिए हैं, इसके जो बेल के जो सिरे हैं ये पूरा मैंने साफ कर लिया है। और अभी मैं ये जो फूल हैं इसके कि पिछले ये जो हैं ये सिरे निकाल के इसको अलग टोकरी में मैं रख रहा हूँ, और इसके बाहर के जो ये दल हैं इसको भी निकाल के, इनको बाह्य दल कहा जाता है, पुष्प के बाह्य दल। और इसका जो इस बाहर का ये सारा निकाल के फेंक दूँगा। और ये फूल को मैं देख के इसके अंदर का भी जो है कीट भी होते हैं कई तरह के, तो इसको इस टोकरी में अलग से रख देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप भी ये सब्जी बना सकते हैं। इसके बाद इसको बारीक काट के ये कद्दू भी और ये सारी बेलें, उसके बाद इसको अच्छी तरह से धोकर इन फूलों को और सभी को, और उसके बाद जो है इसको इसकी सब्जी बना सकते हैं जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये ब्लॉग में यहीं पर ख़त्म करता हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे इसकी सब्जी भी बनानी है। तो दोस्तों नमस्कार, शुभ दिन।